अस्सलामुअलैकुम। आज मैं भुने हुए कीमे की रेसिपी बनाऊंगी। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसमें आधा किलो कीमा, ये बारीक कुटा हुआ है, एक कप कुकिंग ऑयल, दो मीडियम साइज़ की प्याज, 5 अदद हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टमाटर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च एंड 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। सबसे पहले मैं देखती हूँ, मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। इसे पहले हम गरम कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसके अंदर अनियन ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। पहले मैं कीमे को अच्छे से भून लूँगी, फिर मैं इसके अंदर बाकी मसाले भी ऐड कर दूँगी। कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, स्पाइसेस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो ये सारे मसाले इकट्ठे ऐड करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से इसका टेस्ट और होता है। अब हल्की आंच पे मैं इसे ढक्कन लगा के भूनने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे। पूरे 15 मिनट बाद कीमा मैंने भून लिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी एक प्याली, और इसे हल्के आंच पे मैं पकने के लिए रख दूंगी ताकि जो थोड़ा सा कच्चापन है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। पूरे 5 मिनट बाद इसका पानी खुश्क हो गया है, कीमा बन के तैयार है। अब मैं इसके अंदर ये सूखी मेथी ऐड कर दूंगी खुशबू के लिए। फ्लेम इसके नीचे बंद कर दूंगी और फौरन इसका ढक्कन लगा दूंगी। मज़ेदार भुना हुआ कीमा बन के तैयार है। आप इसकी रेसिपी को ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ेदार और वीडियोज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।